Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Firstly guys, thank you so much for all your love on my previous YouTube video. Thank you so much for all the love on my Delhi to Mumbai vlog. Aapko bahut zyada acha laga. And thank you for all the compliments for my sari. Maine pehli baar life mein Diwali mein sari pehna tha and mujhe bahut acha laga. Ready-made sari thi, wo thoda sa mushkil tha pehenna, but I think it was a good experience. Yaad rahe ye Diwali because maine sari pehni thi. Anyways guys, in today's video, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है. आई डोंट नो इसको मज़ा कहेंगे या आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं इसको, लेकिन मेरे लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू गो टू वेयर माई मॉम स्टेज. लाइक वो मेरा भी घर है ऑब्वियसली, लाइक मैं बचपन में वहीं पर बड़ी हुई हूँ. माई मॉम, डैड एंड माई सिस्टर स्टे देयर एंड एज लाइक यू ऑल नो एंड फॉर ऑल दोज हू डोंट नो, आई हैव शिफ्टेड विथ माई आंटी, माई मासी. मैं उनके साथ पिछले 6-7 सालों से रह रही हूँ यहाँ पर. बट अदरवाइज I was born and brought up and I grew up. I did my schooling, I did my college in that house. And आज मैं वहां लेकर जाने वाली हूँ आप सब लोगों को. मैं पिछले आई थिंक 2 या 3 सालों से यहाँ पे आई, वहां पर गई नहीं हूँ. And a lot of people might know the reason. I'm not in talking terms with my father that much. That is why मैं वहाँ जाना इतना comfortable नहीं feel करती. So mom and मेरी sister यहाँ पर आती है मुझे मिलने के लिए. But आज मैं जा रही हूँ बिकॉज डैड कुछ काम से बाहर गए एंड आई वॉज लाइक मम्मी आना है, याद आ रही है, मम्मी के हाथ का खाना खाना है मुझे. मेरी बहन को भी बहुत दिन हो गए मिले हुए बिकॉज वो हमेशा यहाँ आती है, बट वहाँ पर मिलकर यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू रीलिव माई ओल्ड मेमरीज विथ हर एंड माई मॉम. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू गो देयर एंड या आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज अलॉन्ग विथ मी. आई शो यू द एरिया अराउंड जहाँ पर मैं बड़ी हुई. मैं अपना घर दिखाऊंगी आप लोगों को. आई एम गोइंग टू शो यू द बेडरूम आई स्टेड, जहाँ मैं खाती थी पीती थी, सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज. सो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है ये बिकॉज बहुत सालों बाद जा रही हूँ. मुझे खुद को अजीब लग रहा है बिकॉज मैं बड़ी वहाँ पर हुई हूँ. मैं क्या कहते हैं, पैदा वहाँ पर हुई हूँ बट बहुत सालों से नहीं गई हुई. थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट ठीक है, कोई नहीं. मम्मी के हाल का खाना मिलने वाला है खाने के लिए. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. एंड मैं बाय द वे आप सोच रहे हो कि मैं ये सब पहन कर कहाँ गई थी. आई हैड अ शूट टुडे प्लान्ड इन द मॉर्निंग एंड मैं वो सब करके अब मैं घर आई हूँ एंड बहुत भूख लगी थी. तो मम्मी को मैंने फ़ोन किया था कल रात को ही कि मैं आ जाओ घर पे खाने के लिए कल. तो मम्मी ने बोला चलो आ जाओ. सो बस मैं अभी शूट खत्म की हूँ और बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गई हूँ. यू कैन सी माई मेकअप इज ऑल्सो वेयरिंग ऑफ बिकॉज बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, डोंट आस्क. सो मैंने सोचा कि मैं घर आऊँ. मैं वहीं से निकलने वाली थी डायरेक्टली बट मैंने सोचा कि मैं घर आऊँ, मैं अपना ये मेकअप निकालू, चेंज करू इंटू कम्फी क्लोदिंग एंड देन आई विल गो देयर बिकॉज मुझे बहुत गर्मी हो रही है. सो आई एम गोइंग टू गेट दिस मेकअप ऑफ माई फेस गाइज. बट गाइज मेकअप निकालना आजकल इतना ज्यादा बोर होने लग गया है मुझे. मिसेला वाटर लो, कॉटन पैड में डालो, निकालो, फिर आंखों के तरफ ये करो, उसके बाद फेस वॉश, क्लेंजर सबसे धो, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस हो जाता है. सो ऐसे टाइम पर मैं क्या करती हूँ कि मैं एक शॉर्टकट यूज करती हूँ जो बहुत ही बेस्ट है मेरे लिए एंड आपके लिए भी आई एम श्योर होगा. तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपना शॉर्टकट तरीके से मेकअप कैसे निकालती हूँ. इन वन गो आपका मेकअप भी निकल जाएगा और आपका स्किन सॉफ्ट, स्मूथ एंड बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड फील करेगा. सो लेट मी शो यू व्हाट आई यूज. सो गाइज आई यूज दिस बायोडर्मा सेंसी बायो जेल म्यूसेंट. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये मेकअप रिमूवर. लाइक ये बाकी माइसेलर वाटर्स की तरह आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है. लाइक मैं क्या करती हूँ ना कि ठंडियों में, लाइक अभी बस ठंडी शुरू होने वाली है, आपको एटमोसफियर से मालूम पड़ गया कि आपके लिप्स आजकल ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, स्किन में थोड़े से ना क्रैक्स वाले फीलिंग आ रही है बिकॉज विंटर इज अराउंड द कॉर्नर. सो उस टाइम पर मैं माइसेलर वाटर्स वैसे भी यूज नहीं करती बिकॉज मुझे लगता है माइसेलर वाटर्स बहुत ज्यादा ड्राई करता है. तो ये टाइम पर मैं ये मेकअप रिमूवर को स्विच करती हूँ. इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. तो क्या है ना, ये जो प्रोडक्ट है दिस वर्क्स एज योर माइसेलर वाटर ओनली टू रिमूव योर मेकअप. बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ माइसेलर वाटर एंड दिस इज दैट दिस इज अ फोमिंग सोल्यूशन. माइसेलर वाटर जस्ट वाटर होता है टू रिमूव योर मेकअप. सो अलॉन्ग विद जस्ट रिमूविंग योर मेकअप, इट ऑल्सो क्लीन्स योर फेस एंड मेक्स योर फेस रियली वेरी हाइड्रेटिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द विंटर्स. एंड और एक चीज मेरे को आपको प्रोडक्ट के बारे में बतानी थी, दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉन कॉमेडोजेनिक, दैट मीन्स इट डज नॉट clog your pores at all. Secondly, it has no fragrance and it has no parabens. So it's the best product to use for all the sensitive skin types like me. Like मैं आजकल बहुत ज़्यादा particular हो गई हूँ about the products I am using because मेरी skin बहुत जल्दी से breakout होने लगती है, थोड़ा बहुत redness होने लगता है. तो ये sensitive skin वालों के लिए तो perfect है and बाकी all skin types can use it because ठंडी आ रही है, skin को dry होने नहीं देना है at any cost. So let me quickly show you how I use this product. मैं आपके सामने live demo करके
दिखाने वाली हूँ। पहले तो यू हैव टू लाइक कम्प्लीटली वेट योर फेस। ऑफकोर्स मैं आपके सामने कर रही हूँ इसलिए मैं ये स्प्रे बॉटल यूज कर रही हूँ। ओके, नाउ टेक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑन योर हैंड्स एंड नाउ आई एम गोना वॉश। कैन यू सी हाउ द मेकअप इज मेल्टिंग? So I'm gonna quickly go wash my face and come. आपको already दिख रहा होगा मेरा पूरा makeup निकल चुका है almost with using only one little quantity of this product. मैं इसको wash करके आपके पास वापस आती हूँ। So guys, I washed my face like you can see आपके सामने ही। I'm gonna just you know wipe. Can you see how fresh my face looks? बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये मेकअप मेरे फेस पे सुबह से था एंड एटलीस्ट मैंने 6-7 घंटे तो निकाल लिए ये मेकअप के साथ। बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। सो गाइज, नो नीड ऑफ एनी माइसलर वाटर, नो नीड ऑफ एनी कॉटन पैड्स, नो नीड ऑफ फेस वॉश। सबका काम यही करता है, जस्ट इट रिमूव्स योर एंटायर मेकअप ऑफ एंड योर फेस इज रियली क्लीन, वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ आफ्टर दिस। यू कैन जस्ट यू नो स्लैप ऑन सम मॉइस्चराइजर आफ्टर दिस एंड यू आर गुड टू गो। ऑल्सो सनस्क्रीन भूलना नहीं अगर दिन के टाइम पर आप कर रहे हो तो। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट यू नो प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट ऑन इफ यू आर लाइक रियली वेरी लेजी टू रिमूव योर मेकअप एंड इफ यू वॉन्ट योर स्किन टू बी रियली सॉफ्ट स्मूथ एंड सपल। ऑल्सो गाइज, यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट फॉर ₹449 ओनली ऑन ऑल द ई कॉमर्स वेबसाइट, बीट नाइका, फ्लिपकार्ट, एमेजॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसको बाय कर सकते हो एंड या दैट्स ऑल गाइज। नाउ आई एम गोना क्विकली चेंज बिकॉज ऑफकोर्स ये कपड़े में मुझे बिल्कुल मन नहीं है, मुझे कुछ कंफर्टेबल पहनना है एंड वहां जाकर आराम से लेटना है। तो आई गो, आई चेंज एंड कम बैक। ओके, सो ऑल सेट गाइज, लिपस्टिक लगा लिया, दैट्स इट एंड सनस्क्रीन लगाया। आई जस्ट वांट टू कीप दिस लाइक अ नो मेकअप डे फॉर मी। बहुत ज्यादा पोर्स भी क्लॉग हो जाते हैं बट अभी मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है आफ्टर रिमूविंग माय मेकअप एंड अब आई एम ऑल सेट टू गो टू मीट मम्मी एंड डिंगी। वेरी वेरी एक्साइटेड टू ईट मम्मी के हाथ का खाना। सो या लेट्स गो। दिस वॉज द प्लेस वेर आई यूज टू प्ले इन माई चाइल्डहुड एंड गोइंग टू माई हाउस। So this is my house, guys. This is the sofa where I used to sit bachpan mein. I'll show you if I have a few pictures, I'll show you. But ye sofa hai. And this is my mom and dad's photograph. Then we have Dingy. Hi. She knew I was coming. That is why she's not that excited. Then we have a pet now. His name is Tio. Yes, Tio says hi. And it's my mom's favorite crow. मेरी मम्मी को लगता है कि यू नो कि हर डैड कम्स टू मीट हर यू नो क्रो का फॉर्म लेके, सो शी ऑलवेज गिव्स हिम फूड एंड एवरीथिंग। तो मम्मी का फेवरेट क्रो है ये। सो गाइज, ये मेरी मम्मी है, वो मेरे लिए कब से वेट कर रही थी कि मैं आऊंगी। एंड मम्मी, मेरे लिए क्या बनाया खाने में आज? आज वरण भात इसका फेवरेट है, वो बनाया मैंने। और बाकी कुछ ज्यादा कुछ बनाया नहीं, लेकिन बचपन से उसको ज्यादा पास्ता, मैगी, पिज्जा ये सब बहुत पसंद था। और अंडा, अंडे का करी, अंडा करी वो भी बहुत पसंद था। और फिश फ्राई उसका बहुत फेवरेट है। हाँ, मेरा बहुत मतलब आई लव फिश, फिश मेरा फेवरेट है। बट इवन टुडे माय फ्रेंड्स कॉल मी एट देयर प्लेसेस अगर मच्छी बनता है तो, बिकॉज मच्छी बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरा। और क्या मैं खाती थी मम्मी? और कुछ भी ज्यादा करके टोस्टर, पिज्जा, अपना सैंडविच, सैंडविच ये वो ये वो टोस्टर करके के बहुत अच्छा लगता है उसे। हाँ, लाइक मम्मी का बहुत बहुत फेवरेट है। खाने की बहुत शौकीन थी ये। हाँ, बहुत ज्यादा शौकीन थी मैं। लाइक मम्मी बोलती है कि तू अगर जब से घर से निकल गई तब से खाना बनाना मेरा कम हो गया है, क्योंकि यू नो माय सिस्टर डज नॉट ईट दैट। मैं डिंगी इतना खाती नहीं है तो ज्यादा मैं खाती थी एंड डिंगी लाइक थोड़ा सिलेक्टिव है खाने में। और मुझे तुम जो भी दे दो मैं खा लूंगी, कुछ भी बनाएगा तो भी खा लेती थी ये, है ना। वो बहुत अच्छा था इसका। हाँ, और कौन सा सब्जी वब्जी सब खा लेती थी, खा लेती थी वो ही, रोटी सब्जी सब सब, मतलब मैं परेशान नहीं की ना ज्यादा, नहीं करती थी। इसकी बहनें छोटी बहुत परेशान करती है, वो खाने में बहुत ही है, ये ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, वैसा नहीं। लेकिन ये मेरी प्यारी बेटी और बहुत अच्छी बेटी है, इसका इतना कुछ टेंशन नहीं था। अभी यहाँ पे नहीं रहती ज्यादा तो उसका बहुत
ओके अब हम लोग को बहुत फील याद करती है इसके ज्यादा ओके आई थिंक शी विल स्टार्ट क्राई मुझे नहीं पता था आई चीज कैमरा कॉन्शियस तो वो इतना बोलेंगे नहीं बट बहुत ज्यादा बोल दिया तो मैं मेरी मम्मी की फेवरेट हूँ वो मुझे पता चल गया डिंगी आर यू लिसनिंग वहां से गुस्से में देख रही है कि मम्मी ऐसे तो कैमरा के सामने कुछ बोलती नहीं है रात सडनली क्या हो गया बट ठीक है चलो मम्मी अभी खाना खाते ओके सो गाइज आई एंड डिंगी आर ईटिंग फूड टुगेदर हाय मम्मी हैज मेड माइन एंड डिंगीज फेवरेट बासमती राइस एंड वरण भात ऑल द महाराष्ट्रियंस इन द हाउस विल नो व्हाट इज वरण वरण इज वेरी वेरी टेस्टी सो डिंगी कैसा लग रहा है मम्मी का खाना डिंगी को क्या पूछ रही हूँ उसको मुझे पूछना चाहिए या अब तक मैंने बाइट लिया नहीं है बट मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है एंड आई एंड डिंगी आई थिंक आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वी आर ईटिंग हियर इन दिस हाउस टुगेदर आई थिंक वुड कम फॉर दो साल के ऊपर हो गया होगा तो एग्जैक्टली सो यू आर नाउ ईट फूड एंड देन आई विल टेल यू व्हाट वी आर डूइंग हाय गाइस सो वी जस्ट हैड लंच एंड मैं और डिंगी हमारे फेवरेट विंडो पे खड़े लाइक डिंगी व्हाट वर यू टेलिंग राइट नाउ नाउ शी वाज स्टैंडिंग ऑन दिस विंडो एंड जस्ट लीनिंग आउटसाइड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल शी यूज्ड टू ऑलवेज स्टैंड हियर एंड टॉक ऑन फोन वन पर्पल कलर का मम्मी का मैक्सी या माई फेवरेट नाइट ड्रेस वॉज मम्मी इज मैक्सी तो मैं बचपन से मम्मी की मैक्सी ही पहनती थी घर में लेट मी नो अगर आप भी मम्मी की मैक्सी पहनकर बैठते बिकॉज इट्स द मोस्ट कम्फर्टेबल थिंग टू स्लीप इन एंड मैं यहीं पे खड़ी रहती थी बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छा सनलाइट भी आ रहा है कैन यू सी आर फेस अभी तो इट्स एक्चुअली नॉट द बेस्ट इससे बेटर आता है या सो इफ यू सी श्लोकाज दोज रैंडम स्टोरीज दैट शी पुट्स कभी कभी सनलाइट वाला इट्स फ्रॉम हियर सो जस्ट लेट मी शो यू द व्यू सो दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर It's really, really peaceful, and there are a lot of trees around. You know, so बहुत ज़्यादा ventilated है ये area. And can you see how silent this is? This is the best thing I like about this place because बहुत ज़्यादा silent है ये जगह. तो यहाँ पर मैं खड़ी रहती थी फ़ोन पे बात करना या जस्ट स्टैंडिंग एंड लुकिंग आउटसाइड मेरे लाइक ईजिली हाफ एन आवर तो मेरा ऐसे ही पास हो जाता था बहुत अच्छा लगता था मेरे को आई रियली मिस दिस प्लेस गजा मीटिंग दिवाली का सब ये क्या बोलते हैं मम्मी इसको फ्लावर फ्लावर बोलते हैं इसको ये फ्लावर है इट इज मेड अप ऑफ आई डोंट नो व्हाट बट इट्स वेरी स्वीट बहुत टेस्टी होता है मीठा होता है ये दिवाली का एक था चकली फिर मम्मी ने चकली बनाया है बहुत सारे चकलीज हैं जो मैं खा रही हूँ एंड दिस इज बेसन लड्डू ना बेसन लड्डू इज पाखी फेवरेट तो मैं इसमें से आधा पैक करके घर पे लेके जाने वाली हूँ बिकॉज पाखी को बहुत ज्यादा पसंद है बट मेरा फेवरेट ये चकली है ये नॉर्मल डेज पे खाने नहीं मिलता बट यहाँ पर उन्होंने स्टॉक में रखा हुआ है जो आई थिंक डिंगी ने हाफ खत्म किया है ईट दिस एंड ये मेरा डेजर्ट है फॉर टुडे Hi guys, so I'm back with another giveaway in the month of November. So while you know doing this giveaway, I thought if anyone wants to do like a mini cleanup at home and does not want to go to the parlors because corona abhi bhi chalu hai and parlor jana itna safe nahi hai. So you guys can use this kit and do a small mini facial or a cleanup at home. So this is the order in which you have to apply. The first is a face wash, then you have to use the face scrub, then you have to use this coffee sleep mask and after the washing the coffee sleeping mask you can use this coffee moisturizer all together will give you beautiful results I've already tried and tested it out and in case if you are interested in this giveaway one winner will get all these four products because these four are a combination for a cleanup at home so all you have to do is just comment below saying that hi Isha I would like to win the giveaway and I'll let you know soon who is the winner bye guys all the best So guys, that brings us to the end of today's video. I'm ending it in my house only. And mummy is here with me. मैंने specially ये angle इसलिए लिया because I want to show you कितना beautiful sunlight आता है यहाँ पर. So guys, I hope you like this video. In case if you like this video, please hit the thumbs up button. Please spread this video with your friends and family. And please do subscribe to my channel and help me in this new journey of mine. And mummy की तरफ से भी एक कुछ mummy आपको बोलना है कुछ मेरे friends को. Thank you so much. Bye. मम्मी को ज्यादा ही कैमरा फ्रेंडली हो गई मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ओपन अप करेगी कैमरा के सामने आपको सबको बर्थडे व्लॉग याद है जब मम्मी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहते हैं लीव अ लिंक राइट हियर वो भी आप देखना अगर आपको मम्मी के बारे में और जानना है तो बट बाय फॉर नाउ गाइस बाय सी यू एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम